दोस्तों आज हम आए हुए हैं यादगार ताज शरिया जामियतुर रजा बरेली शरीफ। आज हम आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में कि उर्से रजबी की जामियतुर रजा में कैसी तैयारियां चल रही हैं। तो आप इस ब्लॉग में आखिर तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बेटा पैदा हुआ नाम अहमद रजा उसका रखा गया, नाम अहमद रजा उसका। दोस्तों आइए चलते हैं जामियतुर रजा के अंदर और देखते हैं क्या माहौल है जामियतुर रजा का। इस सामने जो पंडाल लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लंगर होगा और दुकानें लगेंगी। आपको हर साल आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे लंगर होता है और ये सामने पिंडाल लगा है, इसकी तैयारियाँ चल रही हैं पिंडाल की। देखिए दोस्तों आप सामने स्टेज है, इंशाल्लाह उस स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा होंगे और उसे रजबी के मौके पर। तो करीब चल के देखते हैं स्टेज को, हम आपको करीब से दिखाते हैं। दोस्तों ये है स्टेज उर्से रजबी की। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर के साथ ऊपर से देखते हैं क्या तैयारी है। स्टेज का भी काम लगभग पूरा हो ही चुका है, अब इस पर गद्दे डाले जाएंगे और पिंडाल पूरा बन चुका है, लाइटिंग का काम भी कंप्लीट है। इंशाल्लाह कल तक ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मंगल के दिन सुन्नी आशिकों का सैलाब आएगा जामियतुर रजा बरेली शरीफ में। आप देख ही सकते हैं हर तरफ उर्से रजबी की तैयारी पुरजोश चल रही है। बहुत ही प्यारा शेर, पूरा कलाम प्यारा है, फरमाते हैं। और दोस्तों ये है हामिदी मस्जिद, हम आपको आइए करीब से हामिदी मस्जिद की ज़ियारत कराते हैं और अंदर से दिखाते हैं हामिदी मस्जिद में कितना काम हो चुका है और अभी कितना काम बाकी है। तो चलते हैं हामिदी मस्जिद के पास में। दोस्तों ऊपर चलकर देखते हैं हाई मस्जिद अंदर से कैसी है। तो आइए चलते हैं मस्जिद के अंदर। जलजले कैसे उसकी फजीलत का सूरज ढले, कैसे उसकी फजीलत का सूरज ढले, जिसकी अजमत का सिक्का अरब पे चले। जामियतुर रजा में हर तरफ तैयारियां चल रही हैं, कल तक ये तैयारियां इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगी और परसों से उर्से आला हयात का आगाज हो जाएगा। और इस तरफ इस पिंडाल में लंगर होता है, ये सामने देख सकते हो, ये है बाबे रजा जामियतुर रजा का मेन गेट। दोस्तों जामियतुर रजा ऐसा मदरसा है जहाँ पर सरकार ताज शरिया ने अपनी उम्र का लगभग आधा हिस्सा इस मदरसे में बिताया है। आप ही की जेरे साए इस मदरसे की सगे बुनियाद रखी गई और ये इतना बड़ा मदरसा बनकर तैयार हो गया। दोस्तों देखा जाए तो हामिदी मस्जिद में अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, अभी अंदर का प्लास्टर रह गया, कई साल अभी हामिदी मस्जिद में काम चलेगा, अभी अंदर से मस्जिद अधूरी है। ये हमारे एक भाई घास काट रहे हैं। दोस्तों आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें।